पहाड़ी परिसर में जहां कोरोना पेशेंट की संख्या में वृद्धि हो रही है, वहीं उपचार के बाद घर वापसी का अनुपात भी संपुष्टिपूर्ण माना जा रहा है। वाड़ी नगर परिषद क्षेत्र अब तक 43 कोरोना रुग्ण पाए गए, जिनमें से उपचार के बाद 33 रुग्ण घर वापसी कर क्वारंटाइन में सुरक्षित है। खापा में रेती घाट के समीप कनान नदी में बाढ़ आ जाने से वहां खड़े दो पोकलेन, ट्रैक्टर और ट्रक डूब गए। मनपा दस्ते ने गुरुवार को खामला और महाल मार्केट इलाके में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की। इस दौरान खामला में मटन मार्केट चौक से सब्जी बाजार तक दुकानदारों के शेड तोड़े गए। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के नए कुलपति के चयन के लिए साक्षात्कार का दौर गुरुवार से शुरू हो गया। यह पहला अवसर है कि साक्षात्कार ऑनलाइन हो रहे हैं। शहर में 31 जुलाई या 3 अगस्त से दोबारा सख्त लॉकडाउन लगाए जाने के फैसले होने की खबर बुधवार को फैल गई, लेकिन यह अफवाह के अलावा कुछ नहीं है। अब तक किसी तरह का लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाया नहीं गया। यह जानकारी मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे ने दी है। नागरिकों ने अफवाह पर ध्यान नहीं देने का आह्वान भी मुंडे ने किया है। शिवसेना के विधायक दुष्यंत चतुर्वेदी को नागपुर महानगर के लिए प्रभारी संपर्क प्रमुख नियुक्त किया गया। शिव सैनिकों ने इस नियुक्ति पर आतिशबाजी की, मिठाई बांट कर जश्न मनाया। ईद उल अजहा का पर्व 1 अगस्त को अकीदत से मनाया जाएगा। ईद उल अजहा को लेकर गुरुवार को मोमिनपुरा परिसर में उलेमा और पुलिस प्रशासन ने मिलकर जनसंपर्क किया। पुलिस और उलेमाओं द्वारा अपील की गई कि कोविड-19 का प्रकोप तेजी से फैल रहा है, इसलिए सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार नियमों का पालन करते हुए सादगीपूर्ण तरीके से ईद अजहा का त्यौहार मनाएं। रेलवे सुरक्षा बल ने नागपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म 2 से पार्सल की बोरियों में छुपाकर रखा गया 42 किलो 480 ग्राम गांजा जब्त किया है। इसकी कुल कीमत 4,24,800 रुपये आकी गई है। महानगर पालिका के जल प्रदाय विभाग ने जल कर में 5% का इजाफा किए जाने का प्रस्ताव दिया है। झोपड़पट्टी वासियों तक को भी यही दर अदा करना होगा। नागरिकों के प्रति यूनिट पर 35 पैसे ज्यादा अदा करने होंगे। इससे मनपा की आवक में 10 से 13 करोड़ की वृद्धि होगी। मरीजों और मृतकों की संख्या बढ़ने से नागपुर जिले के प्रति राज्य का ध्यान आकर्षित हो रहा है। गुरुवार को एक ही दिन में रिकॉर्ड 342 मरीज पॉजिटिव आए हैं, जबकि 9 मरीज की मृत्यु हुई। इस तरह अब तक आए मरीजों की कुल संख्या 5,134 और मृतकों की संख्या 118 पर पहुंच चुकी है।